हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फजी एंड जैजी किटी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावन स्पेशल किटी पार्टी गेम। बिल्कुल ही डिफरेंट सा, यूनिक सा किटी पार्टी गेम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाए हैं मैंने 40 चिट्स, जिसमें 30 में बारिश रिलेटेड सॉन्ग्स लिखे हैं। आप ये इंटरनेट पे देख के आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा 10 चिट्स को मैंने खाली रखा है। फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी एक तैयारी। और इसके साथ फ्रेंड्स, 3 प्लेट लिया है मैंने और पेपर से ये इस तरह से एरो बना के दोनों साइड से सेलो टेप से स्टिक कर दिया। आपको ये 3 प्लेट्स ऐसे रेडी करने हैं फ्रेंड्स, जिसमें ऐसे एरो बनाया हुआ है। ये हो गई आपकी तैयारी। और इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है फ्रेंड्स। इसे आप लक गेम की तरह, पंक्चुअलिटी गेम की तरह भी खिला सकते हो। तो जो सबसे फर्स्ट मेंबर आएंगे फ्रेंड्स, उनको क्या करना होगा, होस्ट इस तरह से प्लेट को उल्टा करके और इस तरह से घुमा के वो मेंबर को देगा कि प्लेयर को पता ना चले कि एरो किस तरफ है। जब होस्ट इस तरह से प्लेट अरेंज करके दे देगा तो प्लेयर को ये करना है, ये 3 प्लेट को इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। अब वो सबसे पहले खेलेगा फर्स्ट प्लेट के साथ, फिर बाद में हम आगे खेलेंगे सेकेंड और फिर थर्ड के साथ। तो जो सबसे फर्स्ट प्लेयर गेम प्ले करेगा फ्रेंड्स, उसे ये चिट जो है इस तरह से चिट को शफल करना है। और इसमें से चिट जो है वो मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में रखेगा। हर एक प्लेट का 4 डायरेक्शन हो गया, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शन में ये जो चिट्स हैं इसे रखना है फ्रेंड्स। ये मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारे एक साइड में, किसी भी साइड में सारे एक साथ रखना चाहता है, या वो 2 साइड में रखना चाहता है, या फिर 3 साइड में, या फिर वो 4 साइड में रखना चाहता है। और कितना किस साइड में रखना चाहता है ये टोटली डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। तो सेफ साइड लेते हुए मैं ऐसा करती हूँ कि अंदाज से कुछ चिट इधर, कुछ उधर, कुछ इधर, ऐसे करके ये 4 डायरेक्शन में सबसे फर्स्ट प्लेयर ने सपोज ऐसे चिट रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये चिट, ये वाला जो प्लेट है, अब इस प्लेट को कर देना है सीधा, तो ये एरो इस तरह से डाउन में है। तो जो डाउन वाला चिट्स है वो सारे चिट्स उठा के हम इस पे डाल देते हैं, क्योंकि ये डाउन एरो है। अगर ये एरो इस तरफ रहता प्लेट में तो ये सारे चिट हम इधर डालते, बाकी चिट्स को नहीं छूना है। अगर ये एरो ऊपर होता तो उसी तरह ऊपर वाले चिट्स सारे प्लेट में डालते, अगर ये इधर वाला होता तो इधर वाले चिट्स हम सारे इसमें डालते, ठीक है। अब क्या करना है, ये चिट्स हमने इसमें डाल दिया, ये बाकी चिट्स का हमें काम नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे ये सारे चिट्स। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्लेट की तरफ। अब दूसरे प्लेट में क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास इतने चिट्स आए हैं, अब ये चिट्स को क्या तो मेंबर को मन है, जैसा मैंने बताया था पहले प्लेट्स में, कि चाहे तो वो एक सारे के सारे एक डायरेक्शन में रख सकता है, या फिर चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में रखने की बजाय 2 में, 3 में, जहां उसको मन है वहां रख सकता है। तो सेफ साइड लेते हुए मैं ऐसा करती हूँ, सब डायरेक्शन में कुछ कुछ प्लेट्स के डायरेक्शन में ऐसे रख देती हूँ। ये चिट रखने के बाद फ्रेंड्स, अब हम ये प्लेट को सीधा करके देखते हैं कि ये एरो किस तरफ था। तो ये एरो है हमारा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एरो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब चिट हम हटा देंगे, इसका हमें काम नहीं है। और ये जो चिट यहाँ पे हमने रखे थे, ये 3 चिट है, ये इसे यहाँ रख देते हैं फ्रेंड्स। तो अब इस प्लेट में क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये 3 चिट है, या तो हमारा मन है तो हम तीनों चिट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे भी रख सकते हैं, या हमारा मन है तो हम 3 चिट है तो 3 डायरेक्शन में रख सकते हैं, या हमें मन है तो हम कोई 2 चिट को एक डायरेक्शन में, सपोज मैंने रख दिया और एक मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब हम ये फ्रेंड्स, इस प्लेट को हम करेंगे सीधा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एरो दिखा रहा है इस तरफ, और यहाँ पे हमारा ये 2 चिट था, उधर हमारा एरो नहीं है। तो ये 2 चिट हम हटा देंगे फ्रेंड्स, और फिर ये चिट देखेंगे इसमें क्या गाना लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हाँ, इसमें हमारा लिखा हुआ है गाना टिप टिप बरसा पानी, जो बारिश रिलेटेड सॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, यही है, इस मेंबर का स्कोर है 1 पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इसमें स्कोर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, मिनिमम स्कोर ही बनेगा, पर उस मिनिमम स्कोर में जिसके स्कोर ज़्यादा होंगे वो ही इस गेम का विनर होगा। मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने एम्प्टी चिट भी बनाए थे जिसमें कुछ नहीं लिखा था, 10 चिट्स ऐसे भी हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आते आते अगर ऐसा होता इनकेस कि ये चिट में सॉन्ग लिखा हुआ नहीं होता, खाली चिट होता, तो उस मेंबर के 0 पॉइंट होते। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता था कि सारा चिट मेंबर ये इस तरह से प्लेट में हो सकता है यहाँ पे रखता, और फिर वो प्लेट जब टर्न करता तो उसका एरो इस तरफ होता, तो ये 3 चिट उसके काउंटेबल होते फ्रेंड्स, अगर वो एम्प्टी खाली चिट नहीं होते। तो
तो यहाँ अगर हम ऐसा सोचे कि तीनों चीट एक ही तरफ रखे हुए थे, तो फ्रेंड्स तीनों में बारिश का सॉन्ग लिखा हुआ है क्या? नहीं फ्रेंड्स, इसमें दो में बारिश की सॉन्ग लिखी हुई, एक खाली चीट है, तो इस मेंबर का स्कोर 2 होता फ्रेंड्स।